एक व्यूवर का क्वेश्चन है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोले जहां हम कहते हैं जिसे आना है आए, जिसे जाना है जाए, जिसे खाना है खाए, जिसे बोलना है बोले, जिसको डिसलाइक करना है करे, जिसे सब्सक्राइब करना है करे, जिसे इंतजार करना है करे, जिसे ठहरना है ठहरे। तो आइए फ्रेंड देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे वन हु वांट्स टू, उसके बाद आप वह एक्शन वर्ड बोलें, यानी वह बोले जो आप कह रहे हैं, जैसे आना, जाना, खाना, उठना, बैठना, ठहरना, जो भी आपका काम है उसे बोलें। उसके बाद आप लिखे कैन और फिर उसी वर्ब को रिपीट कर दें। लगता है आप समझे नहीं, आइए इस रूल को एक बार और समझा दूं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस के दो पार्ट होते हैं, जैसे जिसे खाना है खाए, तो पहला पार्ट है जिसे खाना है और दूसरा पार्ट है खाए। तो पहले पार्ट को ट्रांसलेट करने के लिए आप कहेंगे वन हु वांट्स टू, उसके बाद आप वह एक्शन वर्ड बोलें, यानी उस वर्ड की इंग्लिश लिखें जो आप कह रहे हैं। उसके बाद आप दूसरे पार्ट को ट्रांसलेट करें और दूसरे पार्ट को ट्रांसलेट करने के लिए आप कैन के साथ उसी वर्ब को लिखें जो आपने पहले लिखा हुआ है। आइए इस बात को एग्जांपल्स में समझें ताकि आपको ये बात आसानी से समझ में आ सके। अगर आपको कहना हो जिसे खाना है खाए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वन हु वांट्स टू ईट कैन ईट, यानी जिसे खाना है खाए। आपने यहाँ देखा कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा वन हु वांट्स टू, उसके बाद मैंने वो एक्शन वर्ड लिखा जिसका मैं जिक्र किया, फिर मैंने कैन के साथ उसी वर्ब को रिपीट कर दिया। कई बार इस तरह के सेंटेंसेस का मीनिंग ये भी होता है, जो खाना चाहता है वो खा सकता है। तो चाहे आप कहें जो खाना चाहता है वो खा सकता है या जिसे खाना है खाए, इन दोनों का ट्रांसलेशन यही होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जिसे जाना है जाए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वन हु वांट्स टू गो कैन गो, जिसे आना है आए, वन हु वांट्स टू कम कैन कम, जिसे डिसलाइक करना है कर दे, वन हु वांट्स टू डिसलाइक कैन डिसलाइक, जिसे ठहरना है ठहरे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वन हु वांट्स टू स्टे कैन स्टे, जिसे पढ़ना है पढ़े, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वन हु वांट्स टू रीड कैन रीड, यानी जिसे पढ़ना है पढ़े। अगर आपको कहना हो जिसे चलना है चले, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वन हु वांट्स टू गो कैन गो, यानी जिसे चलना है चले। इस सेंटेंस का एक और मीनिंग है, जो चलना चाहता है वो चल सकता है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि इन सभी सेंटेंसेस से किसी एक इंसान का पता चलता है, यानी मैंने बोला वन हु, तो इन सभी में किसी एक इंसान की बात किया गया। लेकिन मान लीजिए अगर इंसान ज्यादा हो, जैसे जिन लोगों को चलना है चलें, जिन लोगों को खाना है खाएं, जिन लोगों को आना है आएं, जिन लोगों को डिसलाइक करना है करें, जिन लोगों को मुझे सुनना है सुने, जिन लोगों को दफा होना है हो जाएं, जिन लोगों को इंतजार करना है करें, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप कहेंगे दोज हु वांट टू। यानी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है, आप वन के जगह पर बोलेंगे दोज, जैसे जिन लोगों को जाना है जाएं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दोज हु वांट टू गो कैन गो, जिन लोगों को बैठना है बैठें, दोज हु वांट टू सीट कैन सीट, जिन लोगों को ठहरना है ठहरें, दोज हु वांट टू स्टे कैन स्टे, जिन लोगों को मुझे सुनना है सुने, दोज हु वांट टू लिसन मी कैन लिसन, जिन लोगों को लाइक करना है करें, Those who want to like can like, यानी जिन लोगों को like करना है करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को आप बड़े शानदार तरीके से बोल पाएंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को एक और तरीके से बोला जाता है, जिसे मैं उन सेंटेंसेस के साथ जोड़कर लिख दिया हूँ ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन्स के साथ, तब तक के लिए बाय।